पंजाब विधानसभा के दो दिन सैशन के आखिरी दिन पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान आरटीएफ से संबोधन करते हुए केंद्र सरकार को चेतावनी दे देते हैं। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान का कहना है कि पंजाब दी सड़कों का काम रुकिया होया, मंडियों का काम रुकिया होया, तो यह विकास कार्य करने के लिए केंद्र सरकार ने जो फंड रोकिया होया केंद्र सरकार वो फंड जारी करे, नहीं तो 1 जुलाई तक का अल्टीमेटम मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने दिता है। कहते हैं कि जेकर बकाया जारी ना किया तो पंजाब सरकार सुप्रीम कोर्ट का रुख करेगी, तो हूँ केंद्र के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख कर सकती है पंजाब सरकार। वह तो जेकर केंद्र सरकार ने पंजाब के बकाए फंड जारी ना किए तो इस करके केंद्र सरकार को चेतावनी दी है पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने। इस तो अलावा राज्यपाल को भी करारा जवाब दिता है। पंजाब सरकार दे नाल जिहड़ा राज्यपाल का तकरार चल रहा उसते भगवंत सिंह मान कहते हैं कि राज्यपाल मैनू तो चिट्ठियां लिखी जाते हैं पर वो पंजाब के गवर्नर ने पंजाब का उन्होंने भोरा ख्याल नहीं। तो भगवंत सिंह मान का यह भी कहना कि पंजाब यूनिवर्सिटी के मुद्दे पर भी राज्यपाल हरियाणा का पक्ष पूरते सी। तो भगवंत सिंह मान ने राज्यपाल को भी करारा जवाब दिता है। तो की भगवंत सिंह मान ने कहा जो सैशन से संबोधन करते हैं तुम्हें सुना दें। आरडीएफ यानी कि रूरल डिवेलपमेंट फंड उसका जो पैसा है जो साडा हक है वो केंद्र नहीं दे रहा, उदे नाल साडे पेंडू विकास ढांचे ते असर पै रहा है। मैं इस प्रस्ताव के हक च ते केंद्र सरकार की निखेधी करने लई क्यों नहीं वो पैसे दे रहे, मैं खड़ा हुआ सर। मीटिंग हुई माननीय फूड सप्लाई मंत्री नाल, पीयूष गोयल जी नाल, अफसर गए मेरे सारे बैठे ने। हाँ पक्षी हुंगारा असी बड़े खुश आए, अभी धन्यवादी लैटर भी लिखता भी बहुत धन्यवाद जी तुसी पैसे साढ़े जारी कर देंगे। जो ये मीडिया च आ गया जिहड़े उद्दू तहां बैठे ने वो कहिंदे इदां किवें रोको पैसा, फिर रोक लिया जी। फिर उद्दू तहां आलिया कोल गए भी पंजाब का पैसा जी दे दो, वो भी कहिंदे की करिए बस इदां ही है। सो सेंटर जिहड़ा ना ਉਹ ਨੌਨ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਦੇ ਤੰਗ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਚਾਹੇ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਕੇਰਲਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੰਗ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਬਿਠਾ ਰੱਖਿਆ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ 'ਚ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ राज्यपाल। तो फिर सेंटर सरकार वालों फोन आता तैनू राज्यपाल लाए का की फायदा भाई, तू तंग ही नहीं कर रहा। जी आ चीज है ना, आ बहुत बड़ी किताब है जी। स्पीकर साहब तुम सोच सकते हो की है ये? मैं कोई आरडीएफ बारे कोई होमवर्क नहीं लिख के लिया, मैं किसी बिल बारे लिख के नहीं लिया। यह मानयोग राज्यपाल दे मैनू लिखे हुए लव लैटर ने जी, अज कोई इन्ने ने वेले बैठे उत्थे हे कम ते ने, चाके लैटर लिख दो फिर कहे जवाब क्यों नहीं दिंदे। सरकार चला लैण दो जी, इलैक्टड हाँ। इस हाउस बारे भी कहिंदे सी की जरूरत सी, अच्छा उन्हां नूं की पता की जरूरत सी पंजाब च? आरडीएफ की जरूरत है नहीं सी। आ मेरे साथी चले गए, चलो खैर उतना ही हो जाए क्योंकि उन्होंने कोई कोई जवाब है नहीं असल च। मैं तो कहना अगली बार स्पीकर साहब इन्होंने बुलाया ही ना करो, 15 मिनट जाना होंगे फायदा कोई? वो कोई ना कोई रौला पा के बाहर निकल जाते, इस वक्त तो घर जाके आराम ना सौंगे होने तो एसी ला के। आ लैटर ने जी जवाब भी दिने जी, बहुत ने जवाब दिने, बहुत तो कह दें भी थोड़ा टाइम मिल जाए तो जवाब दे देंगे कोई गल नहीं। सो ये आरडीएफ का ये लिंक है जी, फर्ज बनता गवर्नर का कि वो पंजाब के हक के उपर जाके सिफारिश करे कि पंजाब का पैसा दो। गवर्नर पंजाब है वो उल्टा करता है, यूनिवर्सिटी बारे हरियाणे वालों बोली जाता होंगे कि पंजाब यूनिवर्सिटी के हरियाणे के कॉलेज पा लो। मैं पूछा उन्होंने, मैं तुम कि पास आए हो अज, हरियाणा वालों या पंजाब वालों?
कि केंद्र सरकार बड़ी जल्दी आ एक अद्धे हफ्ते च ही सानू फंड जारी कर दोगे, नहीं तो फिर 1 जुलाई नूं सुप्रीम कोर्ट खुल रही है। सर बहुत बहुत धन्यवाद।